नमस्कार, आप देख रहे हैं द अमर टाइम्स, देश प्रदेश का तेजी से उभरता हुआ न्यूज चैनल। आइए देखते हैं आज की खबर में क्या छोड़ देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज न्यूज और मैं मोहम्मद जावेद अम्बेडकर नगर था सुल्तानपुर। आइए आपको आज की बड़ी खबर से रूबरू कराते हैं। अंबेडकर नगर आलापुर तहसील क्षेत्र में बड़े पैमाने पर बिना पंजीकरण अस्पताल चल रहे हैं, जहां झोला छाप बिना किसी डिग्री के मरीजों का इलाज कर उनकी जान जोखिम में डाल रहे हैं। जिलाधिकारी अंबेडकर नगर के निर्देश पर इन पर अंकुश लगाने के लिए मंगलवार को उप जिलाधिकारी आलापुर सदानंद सरोज एवं सीएमओ ने टीम के साथ आलापुर तहसील क्षेत्र के अस्पतालों में छापा मारा। इस दौरान अवैध रूप से चल रहे लगभग आधा दर्जन अस्पताल को सील कर दिया, जबकि कई अस्पताल संचालक बंद कर फरार हो गए। सीएमओ ने फर्जी अस्पताल संचालकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं, जिसमें वर्धन हॉस्पिटल, माह हॉस्पिटल, शारदा हॉस्पिटल, गंगा हॉस्पिटल, देवरिया बाजार, वेद नारायण हॉस्पिटल, राजे सुल्तानपुर के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत करते हुए अस्पताल को सील किया गया। इस दौरान तहसीलदार पद्मेश श्रीवास्तव, चिकित्सा प्रभारी जहांगीरगंज डॉक्टर उदयचंद यादव, थाना अध्यक्ष विजय प्रताप तिवारी, उप निरीक्षक शैलेंद्र चौधरी, थाना प्रभारी जहांगीरगंज, थाना प्रभारी आलापुर डॉक्टर आशीष राय, डॉक्टर आशुतोष